नीतीश कुमार 9 बार से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब तक सिर्फ एक बार ही विधानसभा का चुनाव जीतकर सदन में आए। 1985 की उस जीत को छोड़ दें तो हमेशा विधान परिषद के जरिए ही सदन में निर्वाचित होते रहे हैं। नीतीश कुमार का विधान परिषद का मौजूदा कार्यकाल खत्म हो रहा है और आज सुबह 11 बजे वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बिहार में विधान परिषद में नीतीश कुमार समेत 11 सदस्यों का कार्यकाल 5 मई को पूरा हो रहा है। जेडीयू से खालिद अनवर, रामेश्वर महतो और संजय झा, जबकि बीजेपी से मंगल पांडे, शाहनवाज हुसैन, संजय पासवान का कार्यकाल खत्म हो रहा है। आरजेडी कोटे से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, रामचंद्र पूर्वे, जबकि कांग्रेस कोटे से प्रेमचंद्र मिश्रा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से संतोष कुमार सुमन का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। विधान परिषद के 11 सीटों के लिए अगर चुनाव कराने की नौबत आई तो 21 मार्च को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे।